इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिला योजना समिति के लिए 16 सदस्यों का चुनाव बुधवार गुरुवार के दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। 16 में से 15 सदस्य कांग्रेस के चुने गए। गौरतलब है कि जिला योजना समिति के 16 सदस्यों में से 15 सदस्य कांग्रेस के चुने गए, जबकि एक सदस्य ही बीजेपी का चुना जा सका। इस तरह जिला योजना समिति में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने गुरुवार सुबह से ही जबरदस्त राजनीतिक बाड़ेबंदी की थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह क्षेत्र में कांग्रेस के चुने हुए सदस्यों ने जीत का परचम लहरा दिया। इसमें जिला पंचायत छिंदवाड़ा के 12 में से 12 सदस्य एवं नगर निगम से दोनों ही सदस्य जिला योजना समिति में कांग्रेस के चुने गए। कमलनाथ जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नकुलनाथ जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। कमलनाथ जी के आशीर्वाद से आज हम सभी लोग जिला योजना समिति के सदस्य बन चुके हैं और सब मिलके योजना का जो कार्य है उसको करेंगे। हमारे जिले की जनता हमारे माननीय नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को अपना नेता मानती है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार हर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रही है छिंदवाड़ा में, और ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के नेतृत्व की देन है कि आज जिला योजना समिति के जो चुनाव संपन्न हुए उसमें जिला पंचायत से 12 सदस्यों को चुन के जाना था जिला योजना समिति में, और 12 के 12 कांग्रेस पार्टी के जीत कर आए हैं। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के लोग जीत कर आए हैं, और नगर निगम में भी कांग्रेस के लोग जीते हैं, नगर परिषद से भी कांग्रेस का प्रतिनिधि चुन के आया। तो योजना समिति में अब कांग्रेस का बहुमत बन गया है और जिले में योजना जिला सरकार जो है वो कांग्रेस कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की बन गई। शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र गुलाबरा गली नंबर 10 में रहने वाले एक युवक आकाश शर्मा ने गुरुवार दोपहर अपने घर पर फांसी लगा ली। युवक की मौत के बाद परिजनों ने कोतवाली पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इधर घटना की खबर मिलते ही कोतवाला पुलिस मौके पर पहुंची और फंदे पर लटके युवक को उतारने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने पुलिस को शव को हाथ लगाने से मना करते हुए जमकर विरोध जताया और युवक के फांसी लगाने के पीछे पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद एसपी कार्यालय से आए वरिष्ठ अधिकारी और कोतवाली टीआई ने परिजनों को समझाइश दी, तब जाकर युवक के शव को फंदे से उतारने की अनुमति दी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर निगम की वित्तीय हालत सुधारने कमिश्नर राहुल सिंह द्वारा बकायेदारों पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम द्वारा गुरुवार को खजरी और उसके आसपास के क्षेत्र में जलकर वसूली अभियान के तहत नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही की गई, जिसमें आलकांस सिटी में नरेंद्र अहिल्या एवं अनिल जैन पर 4,701 बाकी रहने के कारण इसका नल कनेक्शन काटा गया। इसके साथ ही आलकांस सिटी के राजू बाउस्कर के द्वारा अवैध कनेक्शन से भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा था, जिस पर उनका अवैध नल कनेक्शन काटा गया। इसके पश्चात वार्ड क्रमांक 2 मधुवन कॉलोनी में प्रमोद कुमार मदान पर 15,126 बकाया होने पर इनका नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही की जा रही थी, जिस पर उनके द्वारा 5,000 तत्काल जमा किए गए, बाकी राशि 3 दिन में जमा करने का निवेदन किया। इस कार्यवाही में विवेक चौहान सहायक यांत्री, भानु प्रताप सूर्यवंशी उपयांत्री एवं शैलेंद्र माहोरे उपस्थित रहे। पांडुना गुडनखापा रेलवे ट्रैक पर गंभीर हालत में एक युवक घायल हालत में मिला, जिसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार युवक का नाम बसंत कुमार है, जो बेगूसराय का निवासी है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही की गई। टीआई कुंडीपुरा राकेश भारती एवं धर्म टेकड़ी चौकी प्रभारी एकता सोनी के द्वारा बुधवार देर रात को पैदल गश्त करते हुए असामाजिक तत्वों, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ऊपर कार्यवाही की गई। सामान्य रूप से ढाबों के आसपास अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए इस प्रकार की चेकिंग की जा रही है। आकस्मिक चेकिंग है, हर शराब दुकान और आहता ढाबों में लगातार पुलिस करती है, आज भी वही कार्य कर रही है। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट।
डीडीसी कॉलेज के सामने, नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। दशहरा मैदान में चल रही श्री शिव महापुराण में गुरुवार को ब्रज नंदन जी महाराज ने भगवान शिव की महिमा और उनके महाकाल स्वरूप का सुंदर वर्णन किया। इस अवसर पर भगवान महाकाल की सुंदर झांकी भी सजाई गई। भगवान महाकाल के दिव्य रूप के दर्शन कर बड़ी संख्या में मौजूद शिव भक्त झूम उठे। यह आयोजन राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा कराया जा रहा है। ये कालाग्नि रुद्र है। बाबा विश्वनाथ ने कृपा की, करुणा की भाव बनाया, दुखी संसार को देख करके रो पड़े। किसी के दुख देखकर दुख मिटाना सीख लो, यही बाबा विश्वनाथ कैलाशवासी कह रहे हैं। सच्चा है दरबार में पुजारी का, फिर सबको क्या शिव के नामी का। सच्चा है दरबार में राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा भव्य महाशिव पुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक से बहुत ज़्यादा संख्या में भक्तजनों का आना जाना लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी से लेकर बीजेपी पार्टी तक सभी बड़े पार्षदगण और महापौर लोग यहाँ उपस्थित होकर एवं पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री यहाँ उपस्थित होकर अपना गौरव बढ़ा रहे हैं। नागपुर रोड स्थित शांतिनाथ विद्या मंदिर स्कूल में बच्चों के बाल मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें लजीज व्यंजन के स्टॉल लगाए गए। इसके साथ ही विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका उद्घाटन जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल एवं क्रीड़ा अधिकारी एचएच झिरवार द्वारा किया गया। शहर के विभिन्न भागों में भ्रमण कर निकलेगी राम नाम रैली। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा आगामी रामनवमी जन्मोत्सव की तैयारी को लेकर 3 दिवसीय राम नाम रैली सुबह 5 बजे निकाली जा रही है, जो राम नाम कीर्तन करते हुए शहर के विभिन्न भागों में भ्रमण कर निकलेगी। समाज सेवी संगठन अपेक्स क्लब द्वारा आज शिवनगर कॉलोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में बच्चों को स्वेटर वितरित की गई, जहां संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। ये हमारा अपेक्स क्लब है, छिंदवाड़ा अपेक्स क्लब, जिसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे क्लब के द्वारा ये करीब 35-40 बच्चों को यहाँ पे स्वेटर वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है।